है ये देखो कितनी ज्यादा मस्त चिक चिक कर रही है और कितनी प्यारी लग रही रेशम जैसी है ना। फुल गई बस 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 तुम्हारे साथ में तब से बर्तन घिसने का काम करते हैं। ये देखो इधर 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 ये रोटी बना रहे हैं। वो सीधे पार्किंग रही यहीं पे लगा दो भैया आ जाओ यार। वैसे लड़कों को अपनी वाइफ से उतनी मोहब्बत होती है जितनी कि उनको अपनी वाइफ से नहीं होती है। जब हम रोज नहाते हैं तो गाड़ी को भी तो कम से कम पोंछ ही दें। मगर कुछ लोग हमारे यहाँ नहीं नहाते हैं रोज। भाई साहब आजकल गाड़ी को रोज साफ किया जा रहा है। वैसे जब से गाड़ी आई तब से एक बार भी धुली भी नहीं है ना यार। गाड़ी को साफ करते करते ना एक चीज नजर आई कि यहाँ बना ये देखो थोड़ा सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो। ये गाड़ी से तो पड़ा नहीं है, ये बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति ने जो है ऐसा कुछ कर दिया। हैंडल पे भी लगेगा, हाँ कहीं और पर रहेगा, लेकिन ये किसी ने ऐसे खींच दिया है तो यहाँ पर एक लाइन सी बनी हुई दिख रही है ये, और प्लस ये यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच आगे भी है। आगे कहाँ पर है? इधर भी है। पता नहीं यार ये सब कौन कर देता है और किसको ये सब करने की जरूरत रहती है। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों आज है संडे और आज ना हम लोगों को बहुत सारे काम करने। सबसे पहला काम तो ये कि आज प्रशांत और अमित ने मिलकर पनीर बनाने का प्लान बनाया, तो वो पनीर की सब्जी और रोटी वगैरह आज बनाने वाले हैं। तो रोटी सेकनी पड़ेगी हमको, मैं और संजय यहाँ पर रोटी सेकेंगे, बाकी लोग जो है पनीर वगैरह बना रहे होंगे। के बाद में प्लान किया है झील पर घूमने जाने का, तो झील पर घूमने जाएंगे और आज करेंगे बोटिंग। बहुत ज्यादा दिनों से बोटिंग का इंतजार कर रहे थे कि बोटिंग करनी लेकिन कभी मौका नहीं मिल रहा था, तो आज देखते हैं अगर बोटिंग कर पाए। बोटिंग करने का मौका मिल गया तो करेंगे, शायद मौका मिल जाए करने का। हमारे रूम पे हो रही है पार्टी, आज थोड़ा अलग खाना बन रहा है और बनाने वाले ये देखो इधर इधर ये रोटी बना रहे हैं, इन्होंने पनीर बनाई है। और भाई साहब पूरे 10 सालों बाद रोटी सेका जा रहा है, मतलब बेला जा रहा है, और हमें लग रहा है काफी गोल है ये चिलाई खाने में। और इनने पनीर बनाई है लेकिन फाड़ दी है। भाई साहब फाड़ने के जिम्मेदार ये है, यही आए हम वहां मतलब दूसरे से पकड़े कहाल दिए और कहाल तो फट गई। अभी देखो रोटियां तो ये बेलते हुए देख चुके हैं आप। ये हमारे कैमरा में रखना, शक्ल भी दिखा दो एक बार। इधर कारीगरी देखो, आ जाओ उधर दिखाओ, इधर नहीं इधर नहीं उधर उधर उधर। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें फुला पाओगे? हां फुला दूंगा भाई साहब। देखो अमित जो है रोटी सेक रहा है उसको गलत कर दिया है और अब पता नहीं फूलेगी कि नहीं फूलेगी। फूल जाएगी? नहीं फूलेगी, गारंटी नहीं फूलेगी। रुको देखते हैं फूलेगी या नहीं फूलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अबे फूल जा, इज्जत की सवाल है, इज्जत की सवाल है, नहीं फूलेगी। फूल जा हां फूल जा, फूल गई फूल गई। बस 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 तुम्हारी फूल गई। ओ काली रोटी है, अब रोटी पकाई है जलाई है, हमारा भी काम है। देखो ना हम वीडियो बना रहे हैं, आपकी बारी थोड़ा कर लो, कर लो जैसे कोरोना टाइम पे बनाते हैं रोटी, वैसे एक बार फिर से बना दो आज। हम बता पनीर खाने मिलेगी बिना कुछ करे? देखो तो बिना कुछ करे, हाथ में चमटा पकड़ा है उसके बावजूद भी बोल रहा है बिना कुछ करे। इसको करना कुछ कहते हैं? संजय ने सिर्फ जीवन काल में दो ही काम करे, पहला इसने खूब बर्तन धुले, जब से हम लोग साथ में तब से सिर्फ बर्तन घिसने का काम करता है। सुबह शाम सारे काम छोड़ के बोलता है क्या मेरे को बर्तन धुलने को दे दो, बाकी कुछ नहीं करूंगा। दूसरा रोटी सेक देता है, देखो रोटी एकदम गोल, वो भी प्लस आटे में कोई कमी नहीं। अमित भाई संजय भाई आओ चलो यार होटल खेलते हैं। देखो सब्जी मैं बना लेता हूँ, आटा ये मार लेता है, वो रोटी मार लेते हैं, बस खुल गया होटल। अरे भाई साहब ये होती रोटी, ऐसी ही रोटी में तलाश रहा हूँ इतने दिन से, ऐसी वाले नहीं। ये एक रोटी है, ये इनकी देन है, एक ये रोटी प्रोफेशनल। जब बेलने वाले कोई तारीफ ना होगी जो ऐसी रोटी बेल के दे रहा जो गोल हुए, इनको इतनी मुश्किल से खाए तो उठ के आए। अगर यहाँ पे मजा नहीं आ रहा होता तब बंदा उठ के भी नहीं आ रहा होता, पता नहीं कैसे मूड बन गया जो आ गया। तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है, ला हम रोटी बेल दे बताओ तो। बहुत नाइस तौलिया है आपकी। हम खाली खड़े इतनी देर से, हमको कोई रोटी नहीं दे रहा है। तो हम हाथ हो तो वो करे घेर रहे हैं, और तुम्हें फिनिशिंग भी तो चाहिए रोटी के अंदर। फाइनली हम लोगों ने 23 रोटी आज बना ली है, और इतने दिनों बाद कितने 25 दो रोटी और भी हैं इधर, इनका हालत देख सकते हो। अमित बनाई है, तो ये अमित की तंदूरी दो है, इनको हम साइड कर रहे हैं, और ये हम दो की रोटियां हैं। तो निकाल दो और फटाफट से खाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा जो खाना है वो निकल गया, और ये बंदा जो है खाने से पहले ही शुरू कर दिया है। तुम्हें इतनी जल्दी का है कि भाई से जल्दी नहीं, एक तो घर वाले भी आ जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लोगों का खाना पीना हो गया है, और जो है अब प्लान करा जा रहा है कि झील पर कब जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 3:30 बजे, और कुछ लोग कह रहे हैं अभी चलो। तो जस्ट देखो खाना खाने के बाद भाई अपनी तो जाने की कहीं हिम्मत है नहीं, मेरे को चाहिए आधे घंटे का रेस्ट। हिम्मत है मेरी जाने की है। ये बंदा भाई देखो तेज है, लेकिन अपन जो है इतना वो नहीं है। ये गुमराह करने की खिलाक में रहते हैं, ये है आलसी पन है इनका, इसमें जानी है। संजय तुम बताओ अभी चलना सही रहेगा 2:30 बजे? 3:30 बजे नींद आने लगी, थोड़ा सो लेते हैं।
खाना खाने का तो रेस्ट करने वाला सीन है ना, वो अपने साथ है, अपने को करना पड़ेगा रेस्ट। मिलते हैं आपसे 3:30 बजे। दिस इज अवर लेक और हम लोग जा रहे हैं इसमें आज बोटिंग करने के लिए। आ जाओ फिर जल्दी से, काफी तगड़ी भीड़ लगी हुई है। ये हमारा बोट क्लब है, इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं। 130 रुपए 130 मिनट का। ये भाई साहब गाड़ी लाना मना है और ये लेके आ रहे थे। अंदर खड़ी तो है, कहाँ खड़ी है? वो उनकी पर्सनल है, बैटरी रिक्शा और कार। अरे बैटरी रिक्शा खड़ा है, अब बताओ बाकी दिखाओ। अरे वो तो पर्सनल हो सकती भाई। तो फाइनली आ गए हम लोग नाव पे। बढ़ जाओ भाई जल्दी बढ़ो, बोटिंग की तरफ करने की कोशिश करना। हवा तेज हो साइड चलेगी ना, दिक्कत होगी लाने। अच्छा इधर ही साइड पकड़ो, पहले राइट करोगे लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट करोगे राइट जाएगी। हुर्रे उधर चलो, उधर चलो। हम लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोई सेंस है इस बात की? गाइस इस नाव पे ये प्रॉब्लम थी यार कि केवल 4 लोग अलाउड थे, तो हमारे साथ में आए थे 5 लोग। एक कृष्णा भाई वहीं पर हमने छोड़ दिया उसको, और अब जाते किनारे साइड में उसको लेते हैं। उसके बाद में जो है हम में से कोई एक सैक्रिफाइस कर देगा। तुम करोगे? मैं चला जाऊंगा। तुम चले जाओगे? क्यों? फोन आने वाला ना, आने वाला। अरे नहीं, तो अपने अमित भाई ने सैक्रिफाइस करने के लिए, फोन नहीं आता तब तक, फिर कृष्णा को हम बिठा लेंगे, उसके बाद में एक चक्कर काटेंगे धीरे धीरे। मजा आ रहा है भाई लोग? भाई हमारा बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो इधर आने को राजी नहीं। ओ इधर आ जा जल्दी जल्दी आओ, कितना बैठो जल्दी। चलो धन्यवाद भैया। गाइस यहाँ पे हमारी इंटरचेंज हो गया, हमने राजा को गुलाम से चेंज कर दिया है। अमित यहाँ से चले जा चुके हैं और उनकी बदली में हमने कृष्णा को बुला लिया है, क्योंकि यार हमारे पास 5 बंदे थे और टिकट हमने एक ही मिलेगा। 5 लोग का एंजॉय करा दिया। ये यहाँ पे चप्पल वाले भाई साहब, यहाँ पे चप्पल वाले भाई साहब, जूता एंड जूता देख रहे हो भाई साहब, स्वैग। 2 नौकर लगा रखे हमने। क्या है, तेल खत्म हो गया? तेल खत्म हो गया। ए फ्यूल क्यों रोक रहा है यार उधर से? भाई 20 समुद्र में तेल कौन देगा? इमरजेंसी। देखो क्या हो रहा हुआ, अरे पीछे परमाणु विस्फोट हो गया। अरे देखो पैसा पूरा वसूल के जाएंगे, 5 मिनट फालतू जाएंगे भले। तो आप देख सकते हो वो वहाँ पे दूर पे धमाका हुआ है और यहाँ पे हम लोग कैसे भी अपने आप को सर्वाइव करते हुए इतनी दूर आ गए हैं, और हमने हमारी दुनिया छोड़ दी है। वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं, तो ज़ॉम्बी से बच रहा है। ये देखे ये ज़ॉम्बी का असर हो रहा है। देखो पानी फेंको भाई, नहीं ड्राइवरी हम करेंगे, 1000 रुपए चले जाएंगे अमित के। अभी देखो आराम से ऐसे जाएगी। गाइस यहाँ पर गाड़ी को चलाने के लिए, मतलब हमारी नाव को चलाने के लिए बहुत झगड़े हो रहे हैं, कौन किधर लेके जाएगा, टाइम हो रहा है, तो हम लोग फटाफट से वहाँ पर लेकर जाना उतनी दूर। और हवा चल रही है अपने आप से, तो ये जो हमारी नाव है ना, ये उधर की तरफ भागती जा रही है। और उन्होंने सलाह भी दी थी कि ढंग से चलाना, उधर मत जाना, हवा चल रही है, वापस ला नहीं पाओगे। और अब लग रहा है उनकी बात सही है। वो सीधे पार्किंग रही यहीं पे लगा। भैया आ जाओ यार, आ जाओ दद्दा, कहाँ हो? हालत खराब हो गई, पनीर पूरी निकल गई, रोटी भी निकल गई। ए, 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 ये तो उधर मुड़ेगी। ये कौन सा हिसाब किताब है? पीछे लो पीछे, पीछे लो पीछे ले, रोके पहले हम पहले। बतख देखो कितनी ज्यादा मस्त चिक चिक कर रही है और कितनी प्यारी लग रही रेशम जैसी है ना। तो गाइस फाइनली अपन लोग झील से निकल आए हैं। मेरे साथ में जितने भी शादी थे, प्रशांत, अमित और कृष्णा, वो लोग चले गए घर, और मैं और संजय जो हैं जा रहे संजय वर्मा के रूम पर। तो गाइस फाइनली अभी मैं आ गया हूँ संजय वर्मा के घर पे, चाय वाय बना करके ले आए, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ जब भी आता हूँ जब मेरे को चाय भी नहीं होती है। और अपन के साथ में जो है समोसे भी हैं। बाकी आपने देखा कि हमारे साथ में 5 लोग थे और अभी हम केवल 2 ही लोग हैं, तो वो जो 3 लोग थे वो लोग चले गए घर पे उनको इस देर, और मुझे बस आना था इस रूम पे चाय पीने के लिए, सो दैट मैं यहाँ पर आ गया। मिलते हैं दोस्तों आपसे घर पे आगे चाय पीने के बाद। तो आज के इस व्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे किसी एक और नया ऐसा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।